बाईकार्ड करने की बात हो रही है कि फुल कोट बनाए फिर सुनेंगे और जहां तक मेरा ख्याल है बंदियाल ऑर्डर दे देंगे कलेक्शन कराएं वो कहेंगे मैं आपका बाईकार्ड नहीं मानता सही नहीं तो सर अगर फर्स्ट नहीं होता फिर फिर वो कंटेंट का नोटिस दे देंगे यानी फिर, तो फिर, है? फिर? फिर, फिर वो कोशिश करेंगे सजा देने की वो इस तरह का फैसला दे सकते हैं कि नहीं जी, तीस अप्रैल को नहीं कल ही कराओ इलेक्शन <laughs> हाँ चौबीस घंटे में चौबीस घंटे में इलेक्शन ट्विटर रियाज खान और मैं लिया क्या नया दौर का उसमें कोई अमल दखल नहीं होगा नहीं नहीं, तो नहीं नहीं उसमें नया दौर वोट में नहीं डालना नहीं नया दौर अगर लेगा कर तो जीतेगा सवाल मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है क्या उम्र दयाल साहब फुल कोर्ट बनाएंगे आई डोंको अभी तक तो जो बनाना चाहते ना वो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे मतलब बनाए देखें अगर वो फुल कोर्ट बनाते हैं जी तो फुल कोर्ट क्या फैसला देगा फुल कोर्ट ये फैसला देगा कि आपने सू मोटव गलत लिया बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट और पशावर हाई कोर्ट में जो पटिशनें जर समात थीं जब वो जेर समात हैं तो चीफ जस्टिस सो मोटिव नहीं ले सकता आपने गैर आइनी गैर कानूनी सो मोटव लिया है लिहाजा सो मोटिव नहीं है अगर सो मोटिव नहीं है तो फिर तीस अप्रैल की डेट भी नहीं है अगर सो मोटव नहीं है तो फिर सदर को डेट देने का अख्तियार भी नहीं है बात शुरू हो जाएगी ए से कि लाहौर हाई कोर्ट में जाए वहां पिटिशन दे रहे समाता है वो सुने और फिर अपील आएगी आ गया फिर लाहौर हाई कोर्ट जो फैसला करेगा फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा तो वो एक सिंपल लेकिन अगर एक चीफ जस्टिस का भी रिजेक्ट हो जाए सुप्रीम कोर्ट से ही तो उस चीफ जस्टिस के पल्ले क्या रहेगा आप मेरी बात समझे ना उसके और उसके उसके जो बाकी साथी हैं वो जो कल को चीफ जस्टिस बनेंगे तो उनके पल्ले क्या होगा नहीं उनके पल्ले बहुत कुछ होगा अगर वो वैसे बेंच फिक्स ना करें और वो ऐसा, मतलब अपना ख्याल है की और भी लोगों ने बात की है कि अगर बंदयाल साहब इस उन्होंने एक समात तो कर ली है काज ईसा के फैसले के खिलाफ जी अब जब काजी ईसा चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट में जासुल्हसन और मनी बख्तर को फारक कर सकती अगर खार चौधरी, चौधरी ने फारक किया कि हमने फैसला किया था कि आप पी से ओ नहीं लेंगे जिन्होंने लिया वो फारक है जुडिशियल ऑर्डर से, से।, से फारक कर दिया था कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जरूरत नहीं जुडिशियल मिस कॉन्डक्ट में कि आपने एक फैसला की खिलाफवर्जी की है तो फिर एजाजो लहसन और मनीब अख्तर को काजी फायजीसा जुडिशियल मिस कॉन्डक्ट पर फारक कर देंगे जनरल आसिम मुनीर मुझे कहते थे कि आप माफ कर देते हैं मैं होता तो मैं तो कभी माफ ना करता तो इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है जिस तरह जितनी कोशिश की गई है जनरल आसिम मनीर का रास्ता रोकने के लिए और अभी जो सिचुएशन बनी हुई है तो जो फौज का अदारा है उसकी इस टाइम क्या प्रायोरिटी है क्या वो अपने अंदर से कोई सफाई कर रहे हैं या करने का वो रखते हैं और उसका जो इम्पेक्ट है इस हकूमत पर और हमारा जो सिस्टम है उस पर क्या होगा देखेंगे उनतीस नवंबर के बाद तो ये हुकूमत ज़्यादा मजबूत नज़र नहीं आ रही बाजवा साहब के होते हुए तो ये गवर्नमेंट एक लेम डक नज़र आती थी और आसिफ मनीर साहब वाकई किसी को माफ़ नहीं कर रहे मतलब ये खान साहब ने तो अभी कहना शुरू किया ना मेरे ऊपर लालने का निशान लगा दिया है लाल निशान तो आसमन नहीं लगाया ना टू बी वेरी फ्रेंक और ये कि जी मैं हम, हमारा कोई रबता नहीं है हमसे कोई नहीं तो पहले तो ये कहते थे रबते रहते हैं मुलाकातें हो जाती हैं बातचीत रहती है तो अब तो मुलाकातें और बातचीत भी नहीं है और अब जो है बड़ी सिंपल बात है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा इस्टेबलिशमेंट है वो इमरान खान के साथ चलने को एक लम्हा तैयार है खान साहब हैज़ लॉस द ट्रस्ट अब उनके साथ जुडिशल इस्टबलिशमेंट ज़रूर है और उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द जुडिशल इस्टबलिशमेंट उनके साथ नहीं है एक अजीब ये तासर पिछले दिनों बना कि जो जुडिशरी है उसका एक अकलीती हिस्सा उनके साथ है जो चीज एक्सपोज हुई मतलब वो ये है कि जुडिशरी मतलब सारी जुडिशरी इमरान खान के साथ नहीं है एक अकली हिस्सा उनके साथ है जिसकी वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया जा रहा जिसकी वजह से लार्जर बेंच नहीं बनाए जाते जिसकी वजह से सीनियर जजेस को आउट किया जाता है इसका मतलब है कि ये जो ये तो नहीं होने वाला मतलब वो जो कहते हैं कि जी आजकल इमरान खान ने आई थिंक लेटेस्ट को बयान दिया उन्होंने मेरा है यू नो अब पता नहीं कौन से मेजर ने उन कर लिया नहीं नहीं मैं ख्याल एसपी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे है जो उसके साथ उनके साथ बात हुई है तो मेरा नहीं ख्याल दूसरी तरफ उनका कोई इस वक्त या दूसरी तरफ कोई उनकी बातचीत हो भी सकती ये सदर आरफी अलवी के भी जो हैं उनसे भी कोई इतना नजर नहीं आया कि कोई वो भी आजकल आजकल ना पूरी पी टी आई मुफामती मोड में है आ, आप देखें वो मुख्तफ सियासी जमातों से भी रे कर रहे हैं अब उन्हें समझ आ गई है कि सियासी तनहाई भी कोई चीज़ होती है नहीं तो जमील साहब आप मसला पता क्या है देखें जब इस मुल्क में एक इस तरह का एक सियासी इंपास आ गया ना वो कहते हैं कि जी इमरान ख़ान साहब ने इतना रोला डाला हुआ है अब वो लोग जो हैं वो कहते हैं मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं दूसरी तरफ इस्टेबलिशमेंट जो है वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है जो सियासी जमातें हैं वो उनसे बात करने को तैयार नहीं है तो फिर बात कैसे होगी और कौन करेगा और, और हालात कैसे ठीक होंगे कह रहे दे रहा। तो ने क्या कि वो सरदार तारक काजी ईसा और उम्रता बंदयाल तो अपनी एक फोटो ट्वीट करते हैं चाय पीते हुए फिर इमरान खान तो भी चाह पिया लेंगे मेरा मतलब आप पंद्रह लोग नहीं इकट्ठे बैठ सकते जिनका इकतेदार की कोई लड़ाई आप मेरी बात समझे

कि मुझे ये बताएं कि इनका स्टेक क्या है यानी आप पॉलिटिकल मैटर्स को क्यों नहीं पार्लियामेंट के पास भेजते आप क्यों बैठ के इस पे लगे हुए हो आपको जी पार्लियामेंट फैसला करो आप बताओ आपने सजा देनी है या नहीं देनी है नहीं तो दे उन्हें क्यों कहना चाहिए का इन में लिखा हुआ है इन्होंने किया वोट भी नहीं काउंट होगा इमरान खान को मतलब मैं मतलब हुआ ये की मैंने जुर्म भी नहीं किया और मुझे सजा भी मिलेगी बिल्कुल ठीक है ना ये अनोखा फैसला हिस्ट्री का कि मैं जुर्म मेरा मैं जुर्म के लिए अनोखा फैसला तो री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अब यही तो मसला है जब फुल कोर्ट बनेगा तो सिक्सटी थ्री ए की भी बात आ जाएगी हो सकता है उसमें भी फैसला आ जाए कि वो गलत था उसमें भी अपील तो चल रही है ना नाटीजन पड़ी हुई है ना नहीं पर फुल कोर्ट में उस पर भी फुल कोर्ट अपने जजेज अपना फैसला दे सकते हैं आठ जजेस कहते हैं वो फैसला गलत था तो क्या ए में भी भी सर नोट नोट नहीं नहीं अब फुल कोर्ट में तो बहुत कुछ देर बहस आ जाएगा ना तो फुल कोर्ट बनाने से की रुकावट किया है फुल कोर्ट बनाने की रुकावट है कि जो आपने पीछे गंद किया है जो पीछे आपने सारी सहूलतकारी की है वो अंडू हो जाएगी